एवरीवन, असलाल को उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों खैर होंगे ही, रोज रोज पूछते हैं। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का मेरा वीडियो बन रहा है डॉक्टर कफील खान पर। तो डॉक्टर कफील खान को लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वीडियो बनाने से पहले कुछ बात है जो मैं क्लियर कर दूँ। कुछ दिन पहले, दो चार दिन पहले लोगों ने गलत वीडियो बनाकर गलत अफवाह उड़ाई कि डॉक्टर कफील खान जेल से रिहा हो गए। इतने शर्म भी नहीं आती मुसलमानों को, झूठ क्यों बोलते हैं? इनको ये पता है कि झूठ बोलने से रिस्क आगे से हटता है। खैर, ये वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे की चाट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो एक दूसरे की चाटते हैं वो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। वो जहाँ रहते हैं उससे ज़्यादा ही नीचता के हद तक गिर जाते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर कफील खान की वाइफ डॉक्टर शबिस्ता खान ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने सबसे अपील की कि झूठी अफवाह ना फैलाएं। मतलब आप अगर ऐसे झूठ बोलेंगे, इसी झूठ से उनको आने वाली लाइफ में उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो हमारा मुसलमान है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलने में अव्वल नंबर आता है। खैर, तो कल डॉक्टर जिन्होंने ये वीडियो बनाया था कि डॉक्टर कफील खान रिहा हो गए, तो ज़रा ये बताओ अगर वो रिहा हो गए तो कल किसकी मतलब कोर्ट में तारीख है? डॉक्टर कफील खान के भूत की तारीख है क्या? खैर दोस्तों, कल 27 तारीख है, कल डॉक्टर कफील खान की पेशी है। हम रब्बुल आलमीन से, अपने दोनों जहां के मालिक से, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने चारों सहाबा इकराम से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन, अगर हमने हीर खान ने अगर ज़रा सा भी हमारे खुदा की नज़रों में कोई भी ऐसी नेकी की है, तो वो नेकी हमारे डॉक्टर कफील खान के नसीब में लिख दे। उसी नेकी का बदला हमारे डॉक्टर कफील खान जेल से रिहा हो जाए और अपने बीवी बच्चों के साथ आके रहे, और अपनी बच्ची के सर पर हाथ रख के अपने बूढ़े माँ बाप का वो साया बने, उनके बूढ़े माँ बाप का हाथ उनके सर पे रहे। रब्बुल आलमीन, अगर हमने कभी भी कुछ भी ऐसा अगर नेक काम किया होगा तो वो नेकी हमारे डॉक्टर कफील खान के काम आए। खैर दोस्तों, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम कुछ बातें हैं जो विनय दुबे को लेकर इस वीडियो में करना चाहते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें विनय दुबे ने बताया कि वो बनारस में जो उनका भगवान है, महादेव कौन है, उनसे उन्होंने पूजा की, प्रार्थना की। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तरफ अंकुर आर्या जो मेरे इस्लाम को गालियाँ देता है, जिसकी वजह से हम खुद उसके भगवानों को गालियाँ दे देते हैं, और एक तरफ ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमानों को भाईचारे का पैगाम देते हैं, भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन है, क्या दिखावा है क्या झूठ है, समझ में नहीं आता। खैर, जो आगे है वही मुझे देखना है। तो मुझे अब ये बताओ मुसलमानों, जो लोग, या फिर ये बताएं डॉक्टर शबिस्ता खान, डॉक्टर कफील खान की वाइफ, जो लोग ये कह रहे थे कि विनय दुबे डॉक्टर कफील खान के नाम से पैसे का फ्रॉड कर रहा है, विनय दुबे फर्जी है, विनय दुबे ये है, विनय दुबे वो है, ऐसा कहने से क्या आपको मिला? मतलब ऐसा कहने से आपने सिर्फ भक्तों को हंसाया। वो भक्त हंस रहे हैं कि देखो ये वही सेकुलर हिंदू है जो मुसलमानों के पीछे भाईचारा निभाता, और यही मुसलमान ये जो सेकुलर हिंदू है उनको डांटता, उनको धुतकारता, उन पर ब्लेम लगाता है। डॉक्टर शबिस्ता खान, आपने सिर्फ भक्तों को हंसाया है और कुछ किया नहीं है। खैर, वो आपकी मतलब सोच थी कि आपको ऐसा लगा कि विनय दुबे जो है आपके हस्बैंड के नाम से पैसा कमा रहे, लेकिन अगर मेरी नज़र से देखें विनय दुबे इंसान ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन किसी के दिल में भी कोई बैठा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि विनय दुबे किसी भी मुसलमान के नाम से फर्जी मतलब पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जो मुसलमान, वही मुसलमान आज दूसरे लोगों को पे तोहमत लगाते, दूसरे लोगों पे ब्लेम लगाते, जो मुसलमान खुद अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आज वही, चाहे वो जिस धर्म का इंसान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, क्रिश्चन, किसी भी धर्म का इंसान हो, आज वही नाकामयाब इंसान एक कामयाब इंसान की बुलंदी उसको छूने नहीं देता। वो ये सोचता है वो इंसान कैसे ऊँचाई पर जा रहा, वो इंसान कैसे ऊँचाई पर जा रहा, हम क्यों नहीं जा रहे, इसी तरह उसका पैर पकड़ के घसीटते हैं। ये वो मुसलमान है, सिर्फ इनसे बड़ी बड़ी डींगे हकवा लो। एक कहावत है ना, इंसान वही दूसरों को टारगेट करता है जो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकता है, और अगर उसके सामने कोई दूसरा शख्स कुछ करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींचने के लिए नंबर वन रहता है, जैसे सुबूही खान जैसी मुसलमान। समझ में आया ना दोस्तों, हम किसे कह रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल जो है डॉक्टर कफील खान की कोर्ट में तारीख है। हम रब्बुल आलमीन से बस यही दिल से, वाकई में अल्लाह पाक, अगर तुम्हें लगता है कि आपकी हीर खान ने कोई भी
जब से हम पैदा हुए हैं और आज हम 20 साल के, कोई भी अगर ऐसी नेक काम हमने किया है या किसी को गरीब को खाना खिलाया या किसी की मदद की, तो उस नेकी का फल हमारी झोली में नहीं, डॉक्टर शबिस्ता खान की झोली में डाल दो, उनके हस्बैंड को रिहा कर दो। बस यही मेरी अल्लाह पाक से दुआएं हैं। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।